हेलो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स और फिजिक्स के अंदर आपका जो पहला टॉपिक आता है वो आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं हम विद्युत विद्युत के बिना हमारा जीवन अधूरा सा रहता है जैसे कि अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो इसका मतलब वो डिवाइस जिस पे भी आप मुझे देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के साथ में कनेक्ट है अगर मैं अपने विचार या फिर ये सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं तो इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं आपका किसके साथ में कनेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी के साथ में कनेक्ट है, है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए भी असेंशियल है मेरे लिए भी असेंशियल है और सभी जितने भी धरती पे प्राणी हैं सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही असेंशियल पार्ट है और अगर हम बात करें अपने घरों की तो घरों में भी आपका क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए फैंस होते हैं जो कि गर्मी होने पे चलाए जाते हैं कूलर होते हैं एसी होते हैं रेफ्रिजरेटर होते हैं ये सब डिवाइस आप पे किस पे रन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे रन होते हैं और अगर हमें कहीं जाना होता है जैसे अगर हम पकड़ते हैं ट्रेन तो ट्रेन के अंदर भी क्या चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए क्योंकि आजकल मोस्टली जितनी भी ट्रेन हैं वो सारी की सारी आपकी किस पर रन होती हैं इलेक्ट्रिसिटी पर रन होती हैं अगर हम बात करते हैं मेट्रो की वो तो पूरा ही आपका किस पे चलता है इलेक्ट्रिसिटी पे आपका चलता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट के अंदर भी आपकी आजकल एंटर कर गई है जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक कार्स भी आने लग गई हैं ई रिक्शा आपकी चलने लग गई हैं ये सारी की सारी चीजें आपकी किस पे चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी पे आपका चलती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत ही असेंशियल पार्ट है अब इलेक्ट्रिसिटी की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें आती हैं जैसे कि करंट पोटेंशियल रेजिस्टेंस, पावर आपकी हीटिंग लाइट इस तरीके की आपकी चीजें आपके दिमाग में आने लग जाती हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपके किससे कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है और ये सारी चीजें आपकी कहां से निकली ये सारी चीजें आपकी निकलती हैं चार्ज से तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं चार्ज से तो नेक्स्ट आपका इसके अंदर जो पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन में लेंगे वो आपका लेंगे चार्ज अब चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज आपका क्या है चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसकी मैटर की चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और मैटर आपका किससे बना होता है दोस्तों मैटर आपका बना होता है एटम से मैटर आपका किससे बनता है एटम से बनता है तो इसका मतलब आपका क्या हुआ यहां पे मैटर के अंदर आप भी होते हैं और मोलिक्यूल्स भी होते हैं ठीक है मोलिक्यूल्स की हम यहां पे बात नहीं करेंगे हम जरा एटम्स के बारे में जान लेते हैं एटम्स के अंदर तीन चीजें आपकी सबसे फंडामेंटल होती हैं पहली चीज पहली चीज आपकी होगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिर आपका क्या होता है न्यूट्रॉन फिर आपका क्या होता है प्रोटॉन तो ये तीन चीजें हैं जो आपकी एटम्स के अंदर पाई जाती हैं इलेक्ट्रॉन ये आपका कौन सा पार्टिकल है ये आपका एक चार्ज पार्टिकल है यानी कि इसके अंदर आपका क्या है चार्ज है प्रोटॉन इसके अंदर भी आपका क्या है चार्ज है ये आपका न्यूट्रॉन इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है न्यूट्रल भी इसको बोल सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं नो चार्ज ठीक है ये आपके हो गए तीन टाइप के आपके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों चार्ज होंगे और ये आपका बिना चार्ज के होगा अब एटम्स के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी एटम आपका होगा उसके अंदर ये तीनों आपके प्रेजेंट होते हैं जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपके सोडियम की सोडियम आपका क्या होता है Na सोडियम को हम लिखते हैं किससे एन ए से ठीक है ये आपका हो गया सोडियम सोडियम का जो एटमिक नंबर होता है ये आपका होता है जी इलेवन ठीक है सोडियम का आपका एटमिक नंबर कितना इलेवन अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वो आपकी कैसे करते हैं देखो यहां पे आपका होता है एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन आपका क्या होगा ये आपका है जी न्यूक्लियस इसको हम यहां पे लिख देते हैं आपका न्यूक्लियस ठीक है न्यूक्लियस अब यह जो न्यूक्लियस आपका होता है यह ऐसे ही होता है जैसे आपका सन स्पेस के अंदर प्रेजेंट है ठीक है तो इसका मतलब यहां पे न्यूक्लियस आपका किसकी तरह है सन की तरह है और इसके चारों तरफ जैसे प्लेनेट आपके चक्कर काटते हैं जैसे अर्थ भी आपका एक प्लेनेट है ऐसे ही सारे के सारे आप क्या होते हैं इसके चारों तरफ

इलेक्ट्रॉन्स ये आपका एक इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया पहला जो इसको बोलते हैं हम आपका शेल ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आपका शेल से तो पहले शेल के अंदर आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आपका चारों तरफ जैसे कि आपके प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं किसके चारों तरफ सन के चारों तरफ ऐसे ही आपके प्रोटोन और न्यूक्लियस के चारों तरफ आप कौन चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं क्लियर हुआ अब आगे देखो इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करते हैं एक तो आपका चक्कर लगाते हैं इसको तो बोलते हैं रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन से आपका क्या बनता है आपके बनते हैं साल एक साल दो साल इस तरीके से ठीक है और अगर हम बात करें आपके रोटेशन की तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने चारों तरफ भी आपका घूमते हैं यानी कि ये ऐसे भी आपका रिवोल करते हैं इनको हम पढ़ेंगे हाइयर क्लासेस में ठीक है ना और ये आपका जैसे ये अगर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं इस डायरेक्शन को बोलेंगे कौन सा ये आपकी क्लोक डायरेक्शन इस डायरेक्शन को अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं आपकी कौन सी डायरेक्शन एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन और ये जो इलेक्ट्रॉन आपका होगा ये आपका अगर क्लोकवाइज में है तो ये आपका कौन सी डायरेक्शन में आ आ जाता है 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 एंटी एंटी में आ जाएगा ठीक ठीक इस इस तरीके तरीके से से एक आपका तो तो दूसरा एंटी ठीक है? तो इस तरीके से आपके क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ और अपनी एक्सिस पे भी आपका क्या करते हैं घूमते रहते हैं ये आपका हुआ इलेक्ट्रॉन के बारे में सेम ऐसा ही है जैसे आपके प्लेनेट होते हैं अब इसके बाद में ये तो आपकी होगी पहली शेल अब दूसरी शेल के अंदर आपने कितने होते हैं तो इस 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं पहली के अंदर दो होते हैं दूसरी के अंदर आठ होते हैं और तीसरे के अंदर आप कितने बचे एक बच गया तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं तो दूसरे के अंदर आप कितने आएंगे यहां पर आपके टोटल आ जाएंगे आठ यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दो तीन चार पांच छे सात और आठ ये आठ इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे दूसरे शेल के अंदर अब जरा हम बात करते हैं आपके तीसरे सेल की तो तीसरे सेल के अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हम कहीं से कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है ना अब देखो तीसरे इलेक्ट्रॉन के अंदर मैक्सिमम के, के अंदर कि कितने मैक्सिम आपके आ सकते हैं यहां पर आपके मैक्सिमम आ सकते हैं एट इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आठ और अगले में भी कितने आठ ठीक है अब देखो क्या होता है कि आप लोग स्टेबिलिटी के लिए यहां पे आए हैं यानी कि आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स लेके आने इसलिए आप लोग यहां पे आए हैं मैक्सिमम कितने सो so, है ना अगर आप नाइन 99, 99 भी आ गए तो इसका मतलब एक मार्क्स आपका क्या हो गया कम हो गया और आप जो आपके क्लास का टॉपर होगा उससे आप क्या हो जाओगे पीछे हो जाओगे है ना तो इसका मतलब यहां पे भी आपका क्या होगा कि दो आठ और आठ अगर आपका आ गया तो स्टेबिलिटी आ जाएगी दो आठ यहां तक भी रहे तो भी स्टेबल होगा है ना तो इसका मतलब आपका क्या हुआ हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं इसके अंदर मैक्सिमम दो आ सकते हैं दो आ गए इसके अंदर मैक्सिमम आठ आ सकते हैं आठ आ गए अगले के अंदर भी आपके आठ आने चाहिए लेकिन है नहीं तो इसका मतलब इसको क्या चाहिए स्टेबिलिटी चाहिए अब स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अब लूज करने से पहले हम इसके पहले की आपकी कहानी जान लेते हैं क्या होता है आपका देखो जितने आपके प्रोटोन होते हैं उतने ही आप

क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज तो आपका पॉजिटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज इट इज इक्वल टू इसको हम बराबर लिखेंगे किसके टोटल नेगेटिव चार्ज के ठीक है जी अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये क्या होते हैं आपके है ना तो एक्सपेरिमेंट से आपका देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आपका चार्ज होता है वो आपका होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज नेगेटिव प्रोटॉन के ऊपर आपका कौन सा चार्ज तो तो इसीलिए इसको इसको बोलते है इसको बोलते हैं हैं आपका आपका पॉजिटिव और नेगेटिव तो दो चार्ज हो गए आपके एक आपका पॉजिटिव हो गया और एक आपका क्या हो गया नेगेटिव हो गया यहां पे आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है प्रोटॉन पर प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन आपका प्रेजेंट है प्रोटॉन आपका कौन सा चार्ज है पॉजिटिव और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपका कौन सा चार्ज है नेगेटिव। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ ये ग्यारह जो आपके यहां पे प्रेजेंट है ये ग्यारह आपके क्या है इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स आपने बनाए तो इलेक्ट्रॉन्स आप कितने हैं ग्यारह हैं। तो इसका मतलब आपका टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ ये आपका हो गया जी इलेवन

NaCl कॉमन सॉल्ट क्लियर है अब कॉमन साल्ट देखो का नंबर कितना 11. क्लोरीन का आपका कितना होता है क्लोरीन का जो एटमिक नंबर होता है तो क्लोरिन को हम कैसे लिखेंगे इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 2, 8 एंड 7. इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब इसको अगर स्टेबिलाईज होना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए। तो इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन और और चाहिए और इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है है ना तो इसका मतलब आपका क्या हुआ ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा सी को दे देगा अब क्योंकि एन ने एन के पास में स्टार्टिंग में क्या था जितने प्रोटोन थे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन थे क्लोरीन के अंदर भी ऐसा ही होता है क्लोरीन के अंदर क्या होता है जितने आपके प्रोटॉन उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन इसका मतलब अगर हम क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन के अंदर सत्रह ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं और सत्रह ही आपके क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं दोनों बराबर होते हैं ठीक है लेकिन जैसे ही आपका ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहां पर आपके टोटल कितने हो जाएंगे टू एट एंड एट तो टोटल आपके हो जाएंगे कितने अट्ठारह किसके अंदर क्लोरीन के अंदर और सोडियम के अंदर कितने हो जाएंगे सोडियम के अंदर आपका हो जाएगा टोटल टू एट ठीक है सिर्फ टू और एट ही बचेगा यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे अगर ये दोनों आपका इसको लिखते हैं तो एन के अंदर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन बचेंगे दस और सीएल के अंदर आपके टोटल हो जाएंगे जी अट्ठारह ठीक है अब देखो पहले जरा हम बात करते हैं पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले आपके कितने इलेक्ट्रॉन थे यहां पे थे सत्रह इलेक्ट्रॉन और यहां पे थे ग्यारह इलेक्ट्रॉन सत्रह प्लस ग्यारह टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इस पूरे के अंदर एल में सत्रह और ग्यारह हो गए अट्ठाईस बाद में आप कितने हुए बाद में इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यानी कि इसके पास में हो गए टोटल क्लोरिन के पास में अठारह और इसके पास में कितने हो गए दस ठीक है अट्ठारह और दस कितने हुए अट्ठाईस यानी कि पहले भी कितना चार्ज था 28. बाद में भी कितना है 28 दोनों का आपका क्या हुआ बराबर हुआ तो इसका मतलब आपका क्या हुआ यहां से जितना चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने ही इलेक्ट्रॉन आप क्या है बाद में है अब जरा हम बात करते हैं यहां पे चार्ज की कि चार्ज आपका कैसे हुआ हम लोग क्या लिखते हैं एन ए सी एल को हम लोग लिखते हैं हम लिखते हैं इसको एन ए पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव ऐसा क्यों होता है देखो पहले आप पे कितने आपके प्रेजेंट थे यहाँ पे? अगर हम एन की बात करें तो यहाँ पे 11 आपके प्रोटोन थे साथ में इसके साथ में आपके कुछ क्या थे न्यूट्रॉन थे प्लस आपके न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स आपके हो सकते हैं वो आपका डिपेंड करता है जैसे हो सकता है बारह भी हो हो सकता है आपके ग्यारह भी हो और हो सकता है इससे ज्यादा भी हो तो इलेवन आपके प्रोटॉन होंगे तो इलेवन ही आप पे क्या रहेंगे न्यूट्रॉन रहेंगे सॉरी इलेवन ही आप पे क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से ये बाहर में आप पे क्या है कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इसने क्या किया एक आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दूसरा सिमिलरली बाहर आप पे कितने हो गए आठ आपके बचे एक दो तीन चार पांच छ सात और यहाँ पे

इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आपके पहले में कितने दो दूसरे में कितने आठ तीसरे में कितने सात तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए पहली शेल के अंदर इसको बोलते हैं शेल और फिर उसके बाद में आपका क्या आएगा दूसरा शेल दूसरे के अंदर आप कितने आठ तीन चार पांच छे सात और आठ फिर तीसरे के अंदर आपके कितने हो जाएंगे तीसरे के अंदर इसके अंदर टोटल जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके हो जाएंगे जी सात एक दो तीन चार पांच छ और सात सात आपके पहाड़ वाले में है अब इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए एक और चाहिए तो स्टेबिलिटी आपकी कैसे आएगी जब ये इन दोनों के साथ में कंबाइन होगा तो यहां पे आपके ग्यारह ही आपके प्रोटॉन हैं और ग्यारह ही आप हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे आपके सत्रह इलेक्ट्रॉन्स हैं और सत्रह ही आप हैं प्रोटॉन्स बराबर हैं आपके अभी कोई इसमें फालतू नहीं है यानी कि इसके अंदर सत्रह इसके अंदर सत्रह दोनों अभी आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ठीक है अब जैसे ही आपका ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में आएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा और ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास में इसको जब हम गायब कर देंगे यहां से तो आपका यहां पर एक एड हो जाएगा तो इसके अंदर आपके टोटल कितने हो जाएंगे टू एट एंड एट अब एट इलेक्ट्रॉन आपका देते ही अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब यहां पे कितने हो जाएंगे आठ यहां पे कितने हो जाएंगे दस तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि यहां पे ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया अब जरा देखो इसमें यहां पे आपका क्या है इसके अंदर ग्यारह प्रोटॉन बच गए है ना और इसके अंदर प्रोटॉन रह गए सत्रह लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए अठारह इलेक्ट्रॉन कितने so, 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 हो गए 18 तो इसका मतलब अब यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये किससे ज्यादा है आपके 17 प्रोटॉन से ज्यादा है यहां पे आपका क्या है आपके 11 प्रोटॉन हैं और ये आपके किससे ज्यादा हैं? ये आपके 10 इलेक्ट्रॉन जो आपके बचे उससे ज्यादा हैं। अब प्रोटॉन के ऊपर आपका कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव और आपका क्लोरीन के ऊपर कौन सा क्यों 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 पे पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा है तो इसीलिए यहां पे नेगेटिव और यहां पे आपका क्या हो गया पॉजिटिव तो इस वजह से हम प्रोटोन को क्या बोलते हैं आपका प्रोटोन आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपका क्या है नेगेटिव चार्ज है तो कहने का मतलब आपका ये हुआ कि जनरली आपके कितने टाइप के चार्ज प्रेजेंट होते हैं दो टाइप आपके हुए प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन अब जरा हम दूसरा देखते हैं यहां पर अगर हम बात करें प्रोटोन कितने जी यहां पर है 17 इसके पास में है 17 और 11, 28. इलेक्ट्रॉन कितने हुए दस यहां पे है और अठारह यहां पे अट्ठाइस पहले आप कितने थे यहां पे पर के केस में पहले आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके थे ग्यारह और इसके पास में थे सत्रह तो सत्रह और ग्यारह मतलब अट्ठाईस ट्रांसफर हो गया यानी कि चार्ज जब आपका जनरेट हो गया उसके बाद में भी चार्ज आपका कितना है अट्ठाईस है दोनों प्रोटोन भी आपके अट्ठाईस और इलेक्ट्रॉन भी आपके कितने हैं ही है तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि चार्ज ने क्या किया एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गया एक से दूसरे में क्या हो गया ट्रांसफर है ना ना तो चार्ज आपका जनरेट हुआ और ना ना ही आपका चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है ना? और इनके बीच में क्या हो गया केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं केमिकल फोर्स आपका आयनिक बॉन्डिंग आपका यहां पे जनरेट हो जाएगी और केमिकल फोर्स आपकी प्रेजेंट हो जाएगी जो आपका मनाती है क्या एन तो यहां पे हमने जरा सा आपका देखा कि चार्ज आपका कैसे होता है चार्ज किस तरीके से आपका जनरेट होता है तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें भाई चार्ज आपका क्या होता है है ना तो इसको हम बोलते हैं ये जो अभी हमने समझा इसको बोलते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही चार्ज को खत्म किया जा सकता है क्योंकि चार्ज क्या है एक मैटर की प्रॉपर्टी है और जितना भी हम चारों तरफ चीजें देखते हैं कुछ भी वो सब कुछ आपका किसका बना होता है मैटर का बना होता है, है. यानी कि ये जो पार्टिकल्स आपके होते हैं ये आपके मैटर के अंदर हर जगह आपके प्रेजेंट हैं है ना तो इसका मतलब चार्ज चार्ज को को ना ना तो बनाया जा सकता और ना ही को क्या किया जा सकता है किया जा सकता है इसको बोलते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां से चार्ज ट्रांसफर हो गया चार्ज ना तो बनाया हमने ना ही आपका डिस्ट्रॉय हुआ है है ना ना तो क्रिएट हुआ ना ही डेस्ट्रोय हुआ तो इसका मतलब चार्ज आपका क्या है कंजर्वेशन यानी कि आपका क्या है कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बोलते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रोय ठीक है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रोय ठीक है ये तो आपका हुआ चार्ज की पहली प्रॉपर्टी के बारे में कि इसको हम क्या कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से भी आपका बुला सकते हैं दूसरा अगर हम देखें तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक बैलून है और बैलून को हम हमारे बालों में रगड़ते हैं ठीक है तो चार्ज आपका क्या हो जाता है जनरेट हो जाता है किस पे जनरेट हो जाता है बैलून पे है ना तो बैलून के ऊपर कैसे जनरेट हुआ अब जरा वो समझते हैं हम तो दोस्तों बैलून के बारे में अगर हम बात करें तो बैलून को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये मान लीजिए आपका बैलून हो गया यहां से ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये आपका क्या हो गया एक बैलून हो गया ठीक है अब बैलून के अंदर आप मान लीजिए कि आपके जो टोटल इलेक्ट्रॉन थे रब करने से पहले जब हमने इनको बालों में रब किया उससे पहले आपके मान लीजिए यहां पे पांच इलेक्ट्रॉन थे और आपके पांच ही प्रोटोन थे ये सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं यहां इस सरफेस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहां सरफेस के ऊपर आप कितने थे पांच ही इलेक्ट्रॉन थे और पांच ही आप पे क्या थे प्रोटोन थे अब ड्राई हेयर के बारे में बात करते हैं ड्राई हेयर में मान लीजिए आपके क्या थे सूखे बालों में जब हम रब करेंगे तो सूखे बालों में क्योंकि जितनी भी चीजें हैं किससे बनी होती हैं मैटर से बनी होती हैं है। तो बाल भी आपका क्या है मैटर का ही एक पार्ट है तो इसके अंदर भी आप होंगे चार्ज पार्टिकल होंगे यहां से ड्राई हेयर इसका मतलब यहां पे भी आप क्या है कुछ प्रोटोन है और कुछ आपके इलेक्ट्रॉन है तो यहां से मान लीजिए आपके सात इलेक्ट्रॉन है और साथ ही आप पे क्या है यहां पे प्रोटॉन ठीक है अब जैसे ही हम इसको रब करेंगे तो मान लीजिए आपका कुछ चार्ज रब किया तो कुछ चार्ज फ्रिक्शन से जब हम रब करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन तो कुछ चार्ज आपका किससे फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसफर हो गया ड्राई हेयर से कहां पे बैलून के सरफेस पे तो मान लीजिए आपके यहां पे दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए दो इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर हो गए बैलून को ट्रांसफर हो गए अब बैलून को जो आपके दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो टोटल यहां पे अब आपकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई सात इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और पांच आपके प्रोटॉन आ गए हैं तो इसका मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज आपका डोमिनेट कर गया है और क्योंकि यहां पे दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए इसने तो जो पहले न्यूट्रल बॉडी थी आपकी हेयर्स वहां पर अब आपके टोटल कितना चार्ज आपका रह गया सात प्रोटोन रह गए और एंड पांच आपके इलेक्ट्रॉन रह गए तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आपका क्या करेगा डोमिनेट करेगा तो बालों के अंदर आपका कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा आपका डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज बैलून के अंदर आपका कौन सा है नेगेटिव चार्ज तो इसका मतलब चार्ज आपका क्या हो गया ट्रांसफर हो गया जबकि इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन हम देखें तो यहां पे आपके पहले कितने थे सात यहां पे कितने थे पांच सात और पांच पहले बारह और अब कितने हैं पांच और यहां पे सात अभी भी कितने हैं बारह तो इलेक्ट्रॉन आप अभी भी क्या है सेम है तो इसका मतलब सिर्फ चार्ज क्या हुआ है ट्रांसफर हुआ है है ना चार्ज को हमने क्रिएट नहीं किया ये तो पहले से ही प्रेजेंट था आपका है ना तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई चार्ज कैन ना इधर भी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रोइ इट विल बी ट्रांसफर्ड यहां पर क्या हो जाता है ट्रांसफर हो जाता है तो इसी प्रॉपर्टी को आगे भी हम यूज करेंगे है ना अभी फिलहाल हम इसी को कंटिन्यू करते हैं तो देखो इसमें क्या है जब हम बैलून को छोटे छोटे पेपर के पीस के पास में लेके आएंगे ये मान लीजिए आपका पेपर का पीस है और इस पेपर पीस के अंदर आप पे क्या प्रेजेंट है यहां पे आपके तीन आपके इलेक्ट्रॉन हैं और तीन ही यहां पे क्या है प्रोटॉन है यहां पे किसमें है इस पेपर पीस में है इस पेपर के पीस में आप पे क्या प्रेजेंट है कुछ प्रोटॉन और कुछ आप पे क्या इलेक्ट्रॉन अब देखो जैसे बैलून को पेपर के के पीस पास में लेके आएंगे तो क्या होगा यहाँ पे जो आपके पहले इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस थे ये अब आपके इस तरीके से आ जाएंगे कि यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएंगे और यहां पे आपके तीन नेगेटिव आ जाएंगे अब क्योंकि इसको न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है दो प्रोटोन चाहिए तो दो प्रोटोन आपके यहां से इसके सरफेस पे ट्रांसफर हो जाएंगे तो जैसे आपके ट्रांसफर होंगे यहां पे आप क्या हो गए साथ आपके इलेक्ट्रॉन और साथ ही आप क्या हो गए हैं प्रोटॉन हो गए हैं है ना तो और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो गए डोमिनेटिंग नेचर के हो गए यानी कि हर जगह अगर हम देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन आपके पहले प्रेजेंट थे बाद में भी आपके उतने ही हैं जितने प्रोटॉन पहले थे बाद में भी उतने ही हैं लेकिन क्योंकि इसने आपके दो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है तो यहां पे खींचने के बाद में आपका क्या होगा कि जैसे हम उसको रब करके आपका इसके पास में लेके आएंगे तो आपके जो बैलून का आपका चार्ज है सरफेस पे वो इन पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि वहाँ पे आपका कौन सा चार्ज था बैलून के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे आपका कौन सा है पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया अट्रैक्शन आ गया तो एक और चीज़ का हम हमें पता चला कि अगर एक जगह नेगेटिव है दूसरी जगह पॉजिटिव है वो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब यहां से हमें एक चीज का और पता चला कि अगर आपके चार्ज अपोजिट हैं तो अपोजिट चार्जेस चार्जेस अपोजिट को हम बोलते हैं अनलाइक अनलाइक चार्जेस चार्जेस अपोजिट या फिर आपके अनलाइक चार्जेस और ये आप पे क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं यानी कि हम बात कर रहे हैं एक नेगेटिव की और दूसरे किसकी पॉजिटिव की और ये आप क्या करते हैं जी अट्रैक्ट अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ठीक है एक तो हमें यह पता चला फिर हमें और क्या पता चला कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो यह अट्रैक्ट नहीं करेंगे है ना और नेगेटिव और नेगेटिव होगा ये भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बता रहे हैं तो सेकंड जो आपका पता चला हमें पता चला सेम चार्जेस सेम चार्जेस या फिर आपके लाइक चार्जेस लाइक like चार्जेस का मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, एंड ठीक है? ये एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं ये रिपेल इच अदर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भगाएंगे और अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें पता चलता है यहां से नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं एस यूनिट ऑफ चार्ज की तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हम लिखें तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज आपकी होती है कूलम इसको हम किससे आपका आ, मेजर करते हैं आपका कूलम से चार्ज को मेजर किया जाएगा से यानी कि चार्ज को जब भी हम लिखेंगे तो उसको में लिखते हैं कुलम में आपका लिखेंगे तो अब देखो यहां से हम देखते हैं अब आपका आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है और प्रोटोन के ऊपर आपका कितना चार्ज होता है तो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका कितना चार्ज होगा तो वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आपका चार्ज होगा वो होगा वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इन टेन एस टू पावर माइनस कूलम इतना क्या होता है चार्ज होता है फिर हम देखते हैं प्रोटॉन के ई तो प्लस तो e से इसका मतलब एक प्रोटोन के ऊपर आपका कितना चार्ज होगा ई e प्लस तो क्योंकि प्रोटोन आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इन टू पावर माइनस कूलम इसका मतलब अगर हम देखते हैं मैगनेट्यूड में तो आपका दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यानी कि इन दोनों को अलग करने के लिए आपका यहां पर हम लगा देते हैं माइनस का तो यह आपका हो जाता है माइनस और यह आपका क्या हो जाता है प्लस और मैग्नेट्यूड का मतलब अगर सिर्फ आपका इतना देखें तब आपका क्या रहेगा ये बराबर रहेगा चाहे प्रोटॉन हो या फिर आपका क्या हो इलेक्ट्रॉन हो अब जरा देखते हैं हम कि कुलम के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो जरा हम देखते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन वन कुलम एक कुलम के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं तो कैसे हम इसको करेंगे देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका कितना चार्ज 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन कोलम आपका चार्ज हो जाएगा दूसरी यहां से अगर हम एक कोलम यहां से लिखें तो इसको हम लिखेंगे 1.6 पॉइंट सिक्स पावर माइनस नाइनटीन इलेक्ट्रॉन ये आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका मतलब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वन अपॉन टेन एस टू पावर माइनस नाइनटीन आपका क्या होता है टू पावर भी इसको हम लिख सकते हैं तो यहां से इसको हम लेके जाएंगे ऊपर यानी कि ये आपका आ जाएगा यहां पे टेन एस पावर नाइनटीन और नीचे आपका क्या आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स और इसको हम कैसे लिखेंगे टेन इंटू टेन एस टू पावर एटीन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सिक्स यहाँ पे एटीन है आपका तो ये आपका देगा 10 डिवाइडेड बाय 1.6 ये आपका कितना होगा 16 6 9.6 और साथ में आपका जो बचेगा उससे आपका आएगा 6.25 10 18 इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स कितने कुलम में होते हैं एक कुलम के अंदर इसका मतलब आपका क्या हुआ कि एक कुलम आपका जो चार्ज होगा वो बहुत ही बड़ी यूनिट आपकी की होती है ठीक है और ये अगर आपका बड़ा होगा तो इसका मतलब जो आपका चार्ज होता है उसको मोस्टली हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो मिली कूलम्स में या फिर आपका कूलम्स में ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे यहां से हमें पता चला कि एक कूलम के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं तो आइए अब हम देखते हैं आपका कि चार्ज की कितनी स्टेट्स आपकी होती हैं तो दोस्तों चार्ज की आपकी कितनी स्टेट हो सकती है दो कौन कौन सी या तो चार्ज आपका स्टेशनरी रहेगा यानी कि आपके एक ही पोजीशन पे रहेगा या फिर आपका क्या करेगा चार्ज मूव करेगा तो इसका मतलब दो स्टेट आपकी हो गई पहली स्टेट आपकी कौन सी है टू टू ऑफ ऑफ चार्ज चार्ज और कौन सी कौन सी आपकी होती है टू स्टेट पहली आपकी होती है स्टेटिक यानी कि स्टेशनरी ठीक है इसको बोलते हैं हम आपका स्टेटिक तो ये आपका होता है स्टेटिक चार्ज और दूसरा आपका क्या होता है दूसरा आपकी होती है मूविंग चार्ज यानी कि जब चार्ज आपका क्या करता है मूव करता है तो स्टेशनरी चार्ज का मतलब आपका क्या हुआ जब चार्ज आपका एक ही जगह पर हो इसका मतलब आपका क्या हुआ स्टेशनरी चार्ज ये आपका क्या होगा चार्ज इज एट रेस्ट तो यहां से हम लिख सकते हैं चार्ज इज एट रेस्ट ठीक है और यहां पे आपका क्या है ये आपकी वो कंडीशन है जब चार्ज आपका चल रहा हो तो इसका मतलब आपका क्या हुआ चार्ज इज इन मोशन जब चार्ज आपका किस में होगा मोशन में होगा अब देखो जब चार्ज आपका रेस्ट पे होता है तो वो प्रोड्यूस करता है आपकी एक फील्ड और उस फील्ड को हम बोलते हैं आपकी कौन सी फील्ड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को और जब आपका चार्ज मोशन में होता है तो ये आपका प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के लिए आपके लिए करंट तो यहां से इसको हम क्या बोलेंगे इट प्रोड्यूजेस इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तो ये दो टाइप की आपकी फील्ड यहां से आपका देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड जिसके लिए हम सेकंड यूनिट में आपका जाएंगे तो जरा हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है जैसे मान लीजिए आपके पास में एक चार्ज है यहां पर ये चार्ज आपका क्या करेगा अब चार्ज आपका क्या करेगा यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा यानी कि अपने चारों तरफ फील्ड का एक क्लाउड बना लेता है इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं ये आपका मान लीजिए आपका क्या हो गया ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके प्रेजेंट है इसके चारों तरफ अब जैसे जैसे हम इस चार्ज से यहां से इस पोजीशन से जब हम दूर होते जाएंगे यानी कि जब हम इस पोजीशन से दूर जाते जाएंगे तो ये आपकी फील्ड क्या होती जाएगी कम होती जाएगी ठीक है अब यहां से इसका मतलब आपका क्या हुआ ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस के साथ में आपकी क्या होती जाती है डिक्रीज होती जाती है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी इनवर्सली परपोर्शनल टू डिस्टेंस तो यहां से हम इसको लिखेंगे डिस्टेंस के इनवर्सली क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है और जैसे कि हम आपका पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में वहां पे आपका क्या होता है दो चार्ज बॉडी आपकी है दो आपके मास हैं एक एम वन है और एक आपका मास कौन सा है एम टू ये एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं तो यहां से ये इसकी तरफ जाएगा ये इसकी तरफ आएगा तो इसका मतलब यहां पे इन दोनों के साथ में आप क्या होगी फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं ये आपकी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू किसकी होती है मास

और प्रोपोर्शनल टू किसके होता है डिस्टेंस के square के ऐसे ही हमने यहां पे क्या बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये आपका हो गया डिस्टेंस के स्केयर के ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्केयर के और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आपका आया चार्ज की वजह से तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चार्ज ठीक है ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अब जरा हम देखते हैं एक और चार्ज मान लीजिए आपने लिया एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज भी क्या बनाएगा अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा क्योंकि कोई भी चार्ज होगा वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है एक फील्ड क्रिएट करता है तो यहां से आपका क्या बनाएगा ये फील्ड बना लेता है तो ये आपकी इसकी फील्ड हो गई अब जैसे ही आपका ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये आपका क्या होगा ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो पॉजिटिव आपका जब नेगेटिव की तरफ आपका मूव करेगा तो इसका मतलब आपका क्या होगा यहां पे दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा ये अभी हमने देखा कि आपके अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट अदर अगर एक एक पॉजिटिव है है नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब आपका क्या हुआ यहाँ पे भी आपकी कुछ ना कुछ फोर्स होगी और इस फोर्स को आप कैसे लिखते हैं जैसे मान लीजिए इसके ऊपर आपका चार्ज है क्यू वन और इसके ऊपर आपका चार्ज है क्यू चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे क्यू से तो क्यू का मतलब आपका होता है चार्ज ये चार्ज ऑन फर्स्ट ये चार्ज सेकंड आपका तो यहां से फोर्स आपकी कैसे आ जाएगी जैसे आपने यहां पे लिखा दो मास हैं एम वन और एम टू ऐसे ही आपके दो चार्ज हैं क्यू वन और क्यू टू ये आप पे क्या करेंगे क्यू वन इंटू क्यू टू ठीक है इसके आपके हो जाएगी डायरेक्टली प्रपोर्शनल और इनका जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी फोर्स क्या होती जाएगी कम होती जाएगी कैसे जैसे अगर मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे है दूसरा चार्ज आपका यहाँ पे है इन दोनों के बीच में बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो आपकी बहुत ही कम होगी लेकिन जैसे जैसे हम इन दोनों को पास में लेके आते जाएंगे वैसे, वैसे 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 आपकी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि फोर्स इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्केयर के ठीक है जैसे आपका यहाँ पे वैसे ही आपका यहाँ पे तो ये आपके क्या हो जाती है फोर्स हो जाती है और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहाँ पे हटाते हैं तो यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट ले लेते ले हैं क्यू और यहाँ पे क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर इस टाइप से ठीक है तो है आपकी अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है अगर मान लीजिए यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता तो ये एक दूसरे को क्या करते रिपेल करते तो इसी फोर्स को तब हम क्या बोलते फोर्स ऑफ रिपल्शन और ये आपका क्या हो जाता सेम आपका अब इसके बाद में आपका देखो यहां से अगर आपके चार्ज होंगे इक्वल अगर आपके चार्ज क्या होंगे इक्वल इफ क्यू वन इट इज इक्वल टू क्यू टू अगर दोनों आपके बराबर हो गए तो फोर्स इज डायरेक्टली पर आपका क्या आ जाएगा ये Q क्या है आपका चार्ज और इस चार्ज का क्या हो जाएगा स्केयर और फोर्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्केयर के ये आपका आ जाएगा ठीक है अब देखो कूलम को हम कैसे डिफाइन करेंगे को डिफाइन करने से पहले हम जरा जान लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी तो फोर्स की यूनिट हमेशा क्या होती है न्यूटन तो फोर्स आपका किसमें मेजर किया जाता है आपका न्यूटन के अंदर आपका फोर्स मेजर किया जाता है तो फोर्स की यूनिट आपकी हो जाएगी न्यूटन अब जरा हम देखते हैं के की आपकी क्या यूनिट होगी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा तो यहां से अगर हम के को देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्केयर और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा चार्ज का स्केयर हो जाएगा आपका तो यहाँ से इसकी यूनिट आपकी क्या होगी न्यूटन मीटर स्केयर क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट आपकी किस होती है मीटर के अंदर और चार्ज आपका किस होता है कूलम के अंदर तो यहाँ से इसकी जो यूनिट आपकी आएगी वो आपकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम्स स्क्वायर तो यहां से अब देखते हैं हम एक कूलंब किसके बराबर होता है तो के की जो यूनिट होती है आपकी के जो आपकी वैल्यू देता है ये आपकी फिक्स वैल्यू देता है इसीलिए तो हमने इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला आपका तो इसका मतलब ये आपकी जो वैल्यू देगा ये आपकी देगा 10 9 10 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स स्क्वायर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी की अब यहां से हमें क्या निकालना है एक कूलम ऑफ चार्ज निकालना है तो एक कूलम ऑफ चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वन कूलम ऑफ चार्ज वन कूलम ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएगा नाइन इंटू टेन नाइन आपकी फोर्स लगाएगा ठीक है और जब वो कि, कितने डिस्टेंस पे होंगे एक मीटर के डिस्टेंस पे देखो जरा इसको कैसे मैंने आपको क्या समझाया इसका मतलब आपका ये हुआ कि जब आपका एक मीटर डिस्टेंस पे आपका रखा जाएगा कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा एक मीटर के डिस्टेंस पे तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया वन मीटर चार्ज आपका कितना है वन कूलम फोर्स आपकी कितनी हो जाएगी फोर्स आपकी कितनी हो जाएगी देखो यहां से यहां से आपकी फोर्स हो जाएगी इसकी वैल्यू ये भी वन कोलम कूलम है ये भी, वन है, भी वन है तो फोर्स आपकी कितनी हो जाएगी नाइन इंटू टेन इज टू पावर नाइन न्यूटन तो वन चार्ज वन कोलम ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स द फोर्स एग्जर्टेड ऑन अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड यानी कि वो भी आपका कितने का है एक कुलम का ही है ठीक है दैट 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 इज 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 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ये आपका क्या होगा दैट इज दैट इज नाइन इंटू टेन एज टू पावर नाइन न्यूटन ठीक है कितनी आपकी एग्जर्ट करेगा नाइन इंटू टेन एज टू पावर नाइन न्यूटन वेन प्लेस्ड वेन प्लेस्ड वन मीटर अपार्ट जब एक दूसरे से कितनी दूर आपके रखे जाएं, एक मीटर की दूरी पर रखे जाए फ्रॉम ईच अदर जब इनको एक मीटर की दूरी पर रखा जाएगा तब आपका कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ये पावर नाइन न्यूटन आपकी फोर्स एग्जर्ट करके देगा ठीक है एक चार्ज दूसरे चार्ज पे तो ये हमारा हुआ कौन सा एक गुलम ऑफ चार्ज की डेफिनेशन आपकी हो जाएगी ठीक है अब यहां से आपका जो फोर्स होगा वो हमेशा किस में रहेगा न्यूटन के अंदर आपका रहेगा तो ये आपका कुछ बेसिक था जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किसकी वजह से होती है चार्ज की वजह से और एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है फोर्स लगाता है वो फोर्स आपकी अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है तो अट्रैक्शन अगर आपकी होगी तब भी आपका यही रहेगा रिपल्शन अगर आपकी होगी तब भी आपका यही रहेगा तो यहां से ये यह आपका क्या हो जाएगा Q1 और Q2 ये दोनों आपके क्या है अलग अलग चार्ज हैं अगर चार्ज आपके सेम हुए तो आपका क्या हो जाएगा यहीं पर आपका चार्ज का स्केयर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर यानी कि यही आपका सेम रहेगा तो ये था आपका किसके बारे में चार्ज के बारे में अब जरा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि चार्ज आपका कहां से फ्लो कर सकता है और कहां से नहीं कर सकता ठीक है तो इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स